नमस्कार दोस्तों, ऑल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे काफ़ी सारे भाई लोगों का एक कमेंट आ रहा था मेरे पास कि भाई हमारा जो पबजी मोबाइल लाइट है उसका अचानक से पिंक बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, गेम के बीच में इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि हम लोग उसे मतलब फिर ना ही मूव कर पाते हैं ना ही फायर कर पाते हैं। हो सकता है हम कहीं एनिमी के पास जा रहे हों का इतना ज़्यादा हाई हो जाए कि जहाँ से हम चले हैं वहीं पर फिर से खड़े हो जाए। ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा लोगों को आ रही थी और ये पिंक हाई प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को आ रही है। मुझे लग रहा है शायद 90% लोगों को आ रही है और ज्यादातर जितने भी लोग हैं उनमें से ज्यादातर 90% से ज्यादा लोग जियो यूजर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, जियो यूजर्स को ज्यादा पिंक हाई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम फिक्स कैसे करनी है, 90% से ज्यादा 95% लोगों की फिक्स हो जाएगी आज की वीडियो देखने के बाद। आपको करना क्या है देखो, मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है, जिनसे आप अपना जो गेम का पिंक है उसको बहुत ज़्यादा डाउन कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी मेरा देख सकते हैं कि इस समय केवल 72 पिंक चल रहा है, जबकि अभी अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर मैं थोड़ा और सही से खेलूंगा तो ये शायद मेरे हिसाब से 50-52 के लगभग चला जाएगा। ये कैसे चला जाएगा और ये कब ऐसा हो जाता है कि पिंक एकदम से मैं डाउन कर देता हूँ, जबकि मेरे यहाँ पिंक भाई कभी भी 250-300 के नीचे नहीं जाता है, लेकिन मैं फिर भी इसको डाउन करके खेलता हूँ, कैसे खेलता हूँ वो सब भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा दोस्तों। तो सबसे पहला काम कि भाई पिछली वीडियो को टॉप 10 कमेंट को शॉर्ट आउट देख लाखी कमेंट को पिन करते हैं दोस्तों। तो भाई देखो, आज शॉर्ट आउट देने का टाइम तो है नहीं, तो साइड में लिस्ट दिखा रहा हूं। तो जिन लोगों ने कमेंट किया सबको यार लव यू एंड बहुत सारा प्यार है मेरा भाई, ठीक है। और जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे फॉलो ना किया वो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, तो जाके फटाफट से फॉलो कर लो फेसबुक इंस्टा ट्विटर में, जिससे कि नए अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो सबसे पहली टिप नंबर आती है दोस्तों कि आपको पिंक लो करने के लिए आपको करना होगा, जितने भी आपके ऐसे एप्लीकेशन है जिन पे बराबर कंटिन्यूटली बैकग्राउंड में चलते रहते हैं उनको आपको नोटिफिकेशन बंद करना है, ओनली ऑन नोटिफिकेशन, कुछ भी नहीं करना है, केवल नोटिफिकेशन बंद करना है आपको बस, ठीक है। नोटिफिकेशन अगर आप बंद कर देंगे तो बहुत हद तक वो एप्लीकेशन जो है वो आपका पिंक हाई नहीं होने देगा, क्योंकि जब भाई जब ऊपर पॉपअप आता है ना पबजी के बीच में, जब पॉपअप आता है ना तो भाई वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि भाई ये नोटिफिकेशन बंद कैसे करें, तो भाई सेटिंग के ऑप्शन पे जाओ और वहाँ पे आप ऐप्स पे सिलेक्ट करो, ऐप्स पे सिलेक्ट करते ही वहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आप बंद कर सकते हो, ठीक है, इजीली मेरे भाई, ठीक है। आप बहुत से एक दो ऐसे मेरे भाई होंगे जिनके फ़ोन में ऐसे एप्लीकेशंस होंगे जो बहुत ज़्यादा डाटा कंज्यूम करते होंगे, जैसे कि टिकटॉक हो गया, ठीक है, तुम्हारा टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक को ऑफिशियल जो ऐप है वो हो गया, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे यूसी हो गया, यूसी न्यूज हो गया, और इस तरह के जो न्यूज़ के एप्लीकेशन आते हैं, न्यूज़ के एप्लीकेशंस को आप अनइंस्टॉल मत करो, मैं इंस्टॉल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो उनको आप ऐसा करो जब तक आप गेम खेल रहे हो उनको आप ऐसा करो नोटिफिकेशन बंद कर दो और कुछ टाइम के लिए उनको फोर्स स्टॉप कर दो। इससे होगा क्या कि जैसे मान लो आपका दोस्त है, सपोज दैट आपका व्हाट्सअप है, ठीक है, आप उन्हें उसका नोटिफिकेशन बंद कर रखा, व्हाट्सअप और आपका मैसेंजर इन दोनों के नोटिफिकेशन जरूर बंद कर देना, ठीक है, और हो सके तो आप इनको थोड़े टाइम के लिए फोर्स स्टॉप ही कर देना, ठीक है, क्योंकि भाई इससे होगा क्या देखो, जब हम लोग गेम खेलते हैं, ठीक है, और गेम खेलते टाइम जब हमारा कोई फ्रेंड या किसी ग्रुप से मैसेज आता है तो कुछ टाइम के लिए जिस एप्लीकेशन के अंदर मैसेज आता है वो एकदम से उसको डाटा को खींच लेता है, ठीक है। अब 2 सेकंड के लिए उसने जब डाटा आपके फ़ोन से खींच लिया तो उस समय हो गया आपका पिंक हाई। हो सकता है उस समय आप पबजी में कर रहे हो फाइट अपने एनिमी के साथ, ठीक है, जब आप एनिमी के साथ फाइट कर रहे होंगे उस समय आपका पिंक हो जाएगा 250-300-400 हो जाएगा, तो आपका जो एम है वो तो एनिमी के ऊपर ही रहेगा, लेकिन जब आप गोली चलाएंगे तो गोली का डैमेज एनिमी के ऊपर नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग का एक ये कमेंट आता रहता है कि भाई मैंने उसके ऊपर पूरी 30 गोलियां मार दी लेकिन फिर भी बंदा नॉक नहीं हुआ। भाई बंदा नॉक तब होगा जब आपका पिंक हाई होगा, अगर आपका पिंक 100 या 150 के ऊपर जाता है, यानी 150-200 के ऊपर जाता है, तो समझ लो आप पबजी खेलने के लायक नहीं हो। अगर आप पबजी खेलोगे भी तो कभी चिकन नहीं निकाल पाओगे उसके अंदर, ठीक है, आप कभी भी चिकन डिनर नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का विशेष याद रखो कि जितने भी एप्लीकेशन है उनका नोटिफिकेशन पहली बात बंद रखो, और दूसरी बात जिन एप्लीकेशन का काम ना हो उनको सीधा फ़ोन से रिमूव ही कर दो। हाँ,
अब जो सबसे मेन बात है वो मैं वीडियो के सबसे लास्ट में बताऊंगा, उसको करने से आपको 101% जियो यूजर्स तो कोई ऐसा बचेगा नहीं जिसका पिंक हाई हो जाए मेरे भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो ये है कि आपको अपने पबजी को बाय डिफॉल्ट में जो ग्राफिक्स आते हैं ना उसमें आपको खेलना है, यानी कि आपका अगर मीडियम में आया है तो मीडियम में ही खेलो, हैवी पे मत खेलो, क्योंकि भाई देखो हैवी पे ऑप्शन सबका होता है लेकिन मत खेलो, उससे होगा क्या कि आपके फोन में इतनी क्षमता नहीं होती है जितनी हम लोग वहां पे सेट कर देते हैं, क्योंकि अगर आपके फोन में 4GB रैम है या फिर 6GB रैम है, और फोन का 6GB रैम वाले भी फोन हैंग करते हैं, ये भी याद रखना, पबजी लाइट में 6GB वाले फोन हैंग करते हैं, अगर वो काफी पुराना फोन है और उसमें 6GB रैम है तो भी वो हैंग करेगा, जैसे अप्पो वीवो हो गया, अप्पो वीवो के फोन तुम 6GB के ले लो या 8GB के ले लो वो तो हैंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन फोन्स के अंदर मेटल नहीं अच्छा होता है, ठीक है, जो कि सबसे मेन चीज होती है। और पिंक हाई होने का सबसे जो मेन रीजन होता है वो होता है दोस्तों हमारा नेटवर्क आईसी, अगर आपके फोन का नेटवर्क आईसी सही नहीं है तब भी आपका पिंक हाई होगा दोस्तों। दूसरी जो एक और नेक्स्ट रीजन आता है वो आता है दोस्तों हमारा ऑपरेटर, हम जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं अपना सिम के साथ, एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन, जो भी आप नेटवर्क यूज कर रहे हो, कोशिश ये करो कि देखो कि उस नेटवर्क में आपके एरिया पे अपलोडिंग स्पीड कितनी आ रही है, अगर अपलोडिंग स्पीड 300 KB से नीचे आ रही है तो आपका जो पिंक है वो हाई ही रहेगा, अगर 300 के ऊपर है तो आपका पिंक सही चलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है जो काफी सारे लोग नहीं ध्यान देते हैं, उनको लगता है भाई हमारे यहाँ डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है, सब कुछ आ रहा है, फिर भी हमारा पिंक हाई हो रहा है, तो भाई वो पिंक हाई नहीं हो रहा है, वहां पे आपके डाउनलोडिंग स्पीड तो आ रही लेकिन अपलोडिंग स्पीड नहीं आ रही, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, जो डाउनलोडिंग स्पीड होती है वो हमारे मूवी वगैरह डाउनलोड करने का काम करती है, जो दूसरे सर्वर को हमारे यहाँ आती है। देखो डाउनलोडिंग स्पीड आपकी खराब होगी तो आपके ग्राफिक्स रेंडर नहीं होंगे, ठीक है, डाउनलोडिंग स्पीड का काम होता है ग्राफिक्स रेंडर करना, जब हम आगे भागते हैं तो एनिमी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से गाड़ी आ रही है, उन सब चीज़ों को मूव मोमेंट जो होते हैं उनको दिखाना हमें वहां पर डाउनलोडिंग स्पीड का काम होता है, ठीक है। अपलोडिंग स्पीड का काम कहां पे होता है, जब हम किसी बंदे को डैमेज देते हैं या फिर भागते हैं, चलते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, मूव करते हैं, तो ये सब डाटा जो होता है हमारा जो डाटा हम जो जितना मूव करते हैं ये सामने वाले उस पे जाता है सर्वर पे, तो उसमें अपलोडिंग स्पीड की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको जो भी दिक्कत आ रही, अगर आप दौड़ने में या किसी चीज में आपका पिंक हाई हो रहा है तो यानी कि आपके यहाँ एरिया का जो आपका ऑपरेटर है वहां आपको अपलोडिंग स्पीड नहीं मिल पा रही, अगर आपके ग्राफिक्स रेंडर नहीं हो रहे हैं तो समझ लो डाउनलोडिंग स्पीड नहीं मिल पा रही, अगर आपको दौड़ने या एम लगाने में दिक्कत आ रही तो अपलोडिंग स्पीड नहीं तेज हो रही, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा स्लो है। ये तो हो गई नॉर्मल सी बातें, अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा फैक्ट बताता हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। देखो अगर आप जियो यूजर्स हैं, ठीक है, अगर आप जियो यूजर्स हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं जो गारंटी से आपका पिंक मतलब बहुत ज़्यादा लो कर देगा। कैसे, देखो आपके पास होने चाहिए दो फोन, ठीक है, दो फोन होने चाहिए, या तो फिर अगर आपके पास दो फोन नहीं है तो आप अपने एक फ्रेंड का फोन ले लो, किसी भी फ्रेंड का फोन ले लो, या फिर आप जिसके साथ खेल रहे हो उससे पूछो कि क्या वो भी जियो यूज करता है, अगर वो जियो यूज करता है तो आपको करना क्या, एक जियो फोन से दूसरे जियो फोन में आपको कॉल करनी है, ठीक, कॉल करने के बाद आपको फोन को मिनिमाइज कर देना है, कॉल को चलने देना है, ठीक है, बैकग्राउंड में कॉल को चलने देना है, फिर आप एक बार गेम खेलिएगा, आपका पिंक हाई हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग कॉल से कनेक्ट हो जाते हैं या फिर कॉलिंग हमारे फोन में कनेक्ट हो जाती है तो उस टाइम पे हमारा जो पिंक है वो बराबर आने लगता है। क्यों आने लगता है, क्योंकि कॉलिंग टाइम पे हमारे फोन में फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, मतलब वहां पे बराबर हमारे फोन से मतलब जो अपलोडिंग स्पीड है वो खींचता रहता है दोस्तों, और हमारा जो नेटवर्क है वो हमारे मतलब एरिया के नेटवर्क से बराबर कंटिन्यू कनेक्ट रहता है, ऐसे में अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों स्पीड आती रहती है। तो जब भी गेम खेलें आपके यहाँ अगर बहुत ज्यादा पिंक की प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार इस ट्रिक को अप्लाई करके देखना कि आप किसी अपने घर में किसी फोन में, आजकल तो जियो में वैसे भी अनलिमिटेड पैक पड़ा रहता है, ठीक है, जियो टू जियो,
तो जियो के आप एक नंबर से दूसरे नंबर पे कॉल कर देना, ठीक है। और ऐसे नंबर पे कॉल करना जैसे कि मान लो आप इस वाले फोन पे खेल रहे हो, तो इस वाले फोन से अपने किसी दूसरे फ्रेंड के जियो के फोन में कॉल कर लेना, फिर उसके बाद जियो प्ले करना और तब देखना आपकी पिंग कितना ज्यादा आ रहा है, और आप बाद जब आप कॉल काट देना तब देखना कितना फर्क आ रहा है। दोनों में आपको बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देगा और बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा दोस्तों। ये एक इतनी जबरदस्त एंड कारगर ट्रिक है कि मैं इसी का यूज करके अपने यहाँ समझ लो पबजी खेलता हूँ, नहीं तो मेरे यहाँ इतना ज्यादा हाई से हाई मतलब इतना ज्यादा मतलब पिंक हाई रहता है कि समझ लो अगर मैं कॉल कट कर दूँ ना तो पिंक मेरे यहाँ लगभग मतलब 200 से ऊपर निकल जाता है, 200 400 600 900 भी निकल जाता है। इसलिए मैं हरदम जब भी खेलता हूँ गेम को मैं हरदम यही टेक्निक अपनाता हूँ कि अपने दूसरे वाले जियो नंबर पर कॉल कर लेता हूँ, कॉल करने के बाद तब पबजी को स्टार्ट करता हूँ। जब तक खेलता रहता हूँ तब तक कॉल चलने देता हूँ बैकग्राउंड में, जिससे कि हमारा पिंक बहुत अच्छा आता है। एक बार आप लोग ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट करके बताना उत्तम भाई आपने क्या बोला था, क्या जबरदस्त ट्रिक थी या नहीं। हाँ, अगर इतना करने के बाद अगर किसी के फोन में पिंक की प्रॉब्लम हो रही है तो भाई सबसे मेन चीज होती है आप अपना ऑपरेटर चेंज कर दीजिए, जिसका सिम यूज कर रहे हैं उसको आप चेंज करिए। और दूसरी बात, अगर आपका बहुत ज्यादा और दिक्कत आ रही है तो आप अपना फोन चेंज करिए, क्योंकि भाई ये जो चीजें मैंने बताई हैं इनसे 101% सही हो जाएगा। अगर किसी का नहीं सही हो रहा तो समझ लो आपके डिवाइस में प्रॉब्लम है, आपके डिवाइस का प्रोसेसर आपके पबजी को नहीं झेल पा रहा है मेरे भाई। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं।